हेलो 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 भाई, अवार्ड फंक्शन पे तो अभी पहुंचा हूँ मैं, एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द अवार्ड. थैंक यू टू द एम्पावर ग्रुप. इट्स जस्ट दैट कोई भी अवार्ड मिलता है बड़ी खुशी तो होती है. एटलीस्ट आप हमारे ये एहसास होता है कि हमारे काम को प्यार दिया गया है, सराहा गया है, अप्रिशिएट किया गया है. So whenever you receive an award, it's a good feeling. So yeah, it's the same feeling that I have today. So thank you so much. देखिए, मायने मैंने जैसे आपको बताया कि अवार्ड मिलना हमेशा एक खुशी इस बात की होती है कि काम को लाइक किया गया है. मेरा तो मैं मतलब इसको काम की तरह तो ट्रीट भी नहीं करता, मैं लोगों को हंसाने का काम करता हूँ, तो खुशियाँ बांटता हूँ. और मैं जितनी खुशियाँ बांटता हूँ तो सामने से आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं एक अवार्ड देकर, तो भाई बहुत होता है. ऑल राइट ऑल राइट. ओके, हाय हाय. हेलो सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? हेलो, हाय हाय. कैसे हैं आप? हाय. हेलो हेलो हेलो. हाय सर. हाय सर. बस बढ़िया. कैसे हैं आप? बस बढ़िया. हेलो हेलो. Yeah, so as I was saying that I'm really, really grateful that I'm receiving this award. An award always ek achhi feeling hoti hai, kyunki you're appreciating the work that I've been doing. And I've been doing this work, yahi kaam bahut saalon se karta aaya hoon. Lekin jab bhi koi ek naya award ya koi ek award mujhe diya jata hai, mujhe is baat se वापस से reinforcement आता है और समझ में आता है कि भाई लोग अभी भी प्यार दे रहे हैं और appreciate कर रहे हैं. इससे खुशी की बात है कलाकार के लिए और क्या हो सकती है. So thank you. क्वेश्चन कहता है, हेलो, आपके बच्ची ने 10 साल की आपकी बहुत बड़ी फैन है. अरे मतलब उसको ना मतलब बहुत छटपट से हक दीजिएगा उस. बिल्कुल. यस, क्वेश्चन प्लीज दे दे. अरे नहीं नहीं नहीं, क्या सर तकलीफ क्या है इनके, वैसे तो हम यहाँ पर है तो क्या ही तकलीफ. सर तो थैंक यू बोलना चाहूँगा बिकॉज ऐसे अप्रिसिएशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस एज एन एक्टर, एज एन एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट. आई थिंक अप्रिसिएशन विद अवार्ड्स मीन्स अ लॉट टू अस बिकॉज एक रिकग्निशन समझ में आता है कि लोगों ने अप्रिशिएट किया है, एंड उनका तरीका होता है टू अप्रिशिएट आर वर्क, एंड दिस इज वॉट मोटिवेट्स अस एंड कीप मूविंग इन टर्म्स ऑफ वॉट वी आर डूइंग एंड परफॉर्म आर बेस्ट. ये मेरा पहला अवार्ड एक्चुअली पोस्ट गंगू भाई, सो या थैंक यू. बहुत चेंज हुई, देखिए ना कितने लोग खड़े हैं आसपास. बट मोर इम्पॉर्टेंट इज कितनी अच्छी मूवी है एंड सब लोगों ने अप्रिशिएट किया है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. मेरा काम अप्रिशिएट किया है मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, एंड एक बहुत बड़ी चीज़ इंडस्ट्री के लिए हुई है कि लोग थिएटर में जाकर देखने लगे मूवी, एंड लोगों को पोस्ट कोविड घर से निकालना टू गेट देम इनटू बैक टू थिएटर्स वाज वेरी बिग टास्क, एंड इस मूवी के थ्रू ये हुआ है. तो आई एम वेरी हैप्पी कि इस मूवी का मैं पार्ट था एंड दैट मूवी मेड दैट पॉसिबल, एंड एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है हमारी इंडस्ट्री को. सो आई एम वेरी हैप्पी. रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पहले भी फील करता था, अभी भी फील करता हूँ, बिकॉज एज अ परफॉर्मर, एज एन आर्टिस्ट, आई थिंक एक एक्सपेक्टेशन होती है जो आपको
खड़े उतरना पड़ता है अपने एक्सपेक्टेशंस पे एंड अपने खुद की पोटेंशियल जो एक्सप्लोर आपने की है आपने आपको मोर देन 100% देना चाहिए एंड दैट इज व्हाट आई कीप ट्राइंग एंड इतना अप्रिसिएशन मिला आई एम रियली ओवरवेल्म्ड एज आई सेड कि ये मेरा पहला अवार्ड है पोस्ट गंगूबाई तो उसके बाद बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिली ऑब्वियसली एंड आई कैन फील दैट अराउंड मी सो बहुत अच्छा लग रहा है एंड बिल्कुल जोश से जोश के साथ एक काम करता रहूँ मैं एंड होपफुली थिंग्स विल वर्क I can't really reveal as of now, but yeah, very soon maybe you will see somewhere. Thank you. एक आर्टिस्ट के लिए ये बहुत गर्व की बात होती है एक अदाकारा होने के नाते जब एक अवार्ड मिलता है तो बहुत खुशी होती है क्योंकि हम एक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं और जब वो मेहनत रंग लाए तो देयर इज़ नो फीलिंग लाइक दैट मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने फैंस के लिए टू एवरीबडी हु मेड दिस हैपन मैं बस बहुत खुश हूँ मैं बहुत इमोशनल हूँ स्टेज पे तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे मैं बस एक बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी जी शिक्षा ऐसी चीज़ है जो सबका हक है और मैं एक्चुअली एक वकील भी हूँ और मैंने बीकॉम ऑनर्स किया है बैंकी से एक्टिंग से पहले तो मेरा मानना है कि एजुकेशन के बगैर एक इंसान अधूरा होता है सो एजुकेशन इज़ लाइक योर आर्म इट्स एसेंशियल देर आर नो टू वेज अबाउट इट माई अपकमिंग प्रोजेक्ट इज़ रूममेट्स ऑन MX प्लेयर ब्लिंक ऑन MX प्लेयर एक्ट नॉर्मल ऑन MX प्लेयर एंड ऑन डिज्नी हॉटस्टार तो ब्लिंक में मेरा जो रोल है इट्स अ वेरी लेयर्ड रोल मेरे कैरेक्टर का नाम है गज़ल और शुरुआत में वो बहुत डरी हुई सी लड़की होती है और वो किडनैप होती है द होल स्टोरी इज़ अ थ्रिलर अराउंड किडनैप तो वो स्टोरी में हम देखते हैं कि गज़ल एक डरी हुई लड़की से एक कॉन्फिडेंट लड़की कैसे बनती है मेरा लुक भी बहुत डिफरेंट है उसमें एक्ट नॉर्मल में मैंने डिप्रेशन के बारे में बात करी है आई एम पोर्ट्रेइंग अ गर्ल हु इज़ क्लिनिकली डिप्रेस्ड क्योंकि मेरा मानना है कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है और खत में इट्स एन LGBTQ फिल्म के टॉपिक पे है एंड आई डोंट वांट टू से टू मच कि मैं स्पॉइलर ना दे दूँ बट आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ अ राइटर सो प्लीज़ मेरी फिल्म देखिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए थैंक यू सो मच